तो आखिरकार हम पहुंची गई फिर से खांडा गांव में। जय श्री राम सभी को। कैसे हो सारे, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। वैसे हमने खांडा गांव की पहले भी वीडियो बनाई है, उस समय ये मंदिर निर्माणाधीन था, तो अब मंदिर पूर्ण हो चुका है। तो अब हम फिर से पहुंचे हैं इस मंदिर के दिव्य दर्शन के लिए, क्योंकि इस समय श्री राम जी का ये मंदिर भव्य दिव्य बनकर तैयार हो चुका है। तो ये है मंदिर का मेन द्वार, जिसे बंदा बैरागी सूर्य द्वार कहा गया है। इसी गांव के अंदर निर्मोई अखाड़े मठ की स्थापना 1608 में हुई थी, जो सबसे पुराने मठों में से एक है। इस गांव का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस गांव को महाभारत काल में खांडव वन या खांडव प्रस्थ के नाम से जाना गया था। ये है हमारे वीर योद्धा श्री बंदा बैरागी जी, श्री लक्ष्मण देव, श्री माधव दास, श्री वीर बंदा बैरागी और बंदा सिंह बहादुर नाम से इन्हें जाना गया। आज इस गांव को शहरी खांडा के नाम से जाना जाता है और दैया खौफ के 12 गांव का ये मुखिया भी है। 1709 में बंदा सिंह बहादुर ने यहां आकर अपनी सेना जुटाई थी और गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से इसी गांव के अंदर ग्रामीणों की मदद से सेना मुख्यालय स्थापित किया था। उस समय मुगलों का अत्याचार हमारे देश में काफ़ी बड़ा हुआ था। बंदा बहादुर सिंह जी ने अपनी सेना के साथ सोनीपत में हुई लड़ाई के अंदर मुगलों को हराया था। निर्मोई अखाड़ा मठ, जो सबसे पुराने मठों में से एक है, दादा किशोरदास इस मठ के पहले महंत थे। हमारे देश में मुगलों को या अंग्रेजों को ही महान बताया है, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, उनके बारे में हमें आज तक नहीं बताया और ना ही पढ़ाया गया। यहाँ पर संत शिरोमणि श्री किशोरदास जी की समाधि बनाई गई है। और ये जो नौजवान साथी हैं, ये अपना आज का ब्लॉग तैयार कर रहे हैं। संत शिरोमणि श्री किशोरदास जी महाराज की समाधि के साथ में ही एक धर्मशाला बनी हुई है। आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। आप देख सको यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आंगन में लगाई गई हैं। अगर थम चाहो हो इस गांव व मंदिर से जुड़ी पूरी जानकारी की वीडियो एक बार फिर बनाई जाए तो कमेंट जरूर करें। टारगेट तुम्हारे हाथ में है कि इस वीडियो पर कितने कमेंट करवाने हैं। तो हम सारे का निवेदन है कि अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब करा हो ना, तो चैनल ना सब्सक्राइब करो, घंटी ना भी दबा दो। इस मंदिर के अंदर एक दीवार बनाई गई है, जो हमारे भारतवर्ष के इतिहास को दर्शाती है। देखिए, भारत 500 साल तक गुलामी की जंजीरों में रहा, पहले मुगल फिर अंग्रेज, लेकिन उसके बाद ऐसे अंग्रेज पैदा हुए जिन्होंने हमें कभी भी देश का इतिहास पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने तो केवल बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे को महान बताया, और गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसों को देश के गद्दार बताया है। किताबों में केवल मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास ही हम पढ़ते आए हैं। हमारी किताबों में तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को आतंकवादी बताया गया और गांधी व नेहरू परिवार को देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला बताया गया है। तो फैसला आपके हाथ में है। मतदान का समय आ चुका है, तो अच्छी सरकार चुनिए जो आपके देश, धर्म और समाज के हित के लिए कार्य करे। मैं नहीं कहना चाहता कि आप बीजेपी को वोट दें, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप उसे वोट दें जो आपको झूठे ढकोसले ना देकर देश हित के लिए दिन रात मेहनत करे और कार्यरत रहे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है, इसको फिर से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की तरफ मोड़ा जाए, जिससे आने वाला हमारा भविष्य आध्यात्मिक ज्ञान, योग व संस्कृति के प्रति जागरूक हो। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। इस मंदिर के अंदर 17 अप्रैल
यानी कि रामनवमी के दिन श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। उस समय हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आइए अब हम आपको मंदिर का पूरा दृश्य दिखाते हैं और आज यहाँ पर होने वाली आरती उसका भी पूरा व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। सनातन धर्म से जुड़े इस मंदिर के अंदर इस समय श्री रामलला जी के साथ श्री राधा कृष्ण जी और श्री विष्णु हरि व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही में मंदिर के अंदर चारों ओर सुंदर सुंदर प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आप सभी भक्तों का इस रामलला के दिव्य दरबार में स्वागत है। ये मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी को हुई और ये हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिला के खांडा ग्राम में है। और ये जो मंदिर है, ये दिव्य दरबार है, ये रामलला के जो अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी की तर्ज पे ये यहाँ पे बनाया गया है। और ये वैष्णव समाज के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर के जो निर्माता हैं, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया है, वो डॉक्टर राज वैष्णव जी हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है। और बड़ा ही भव्य और दिव्य दरबार है। इस गाँव की पुरातन संस्कृति को बताते हैं कि यहाँ पर दादा किशोर दास जी महाराज रहते थे और उन्होंने इस पूरे गांव को मुगलों से बचाया है। और तब से और आज तक ये गांव भक्ति और ज्ञान का दिव्य दरबार बना हुआ है। और आज यहां पे श्री रामलला का भव्य और दिव्य भवन बन के तैयार हुआ है और सभी ग्रामवासी यहां पर अपना दिव्य दर्शन पाने के लिए आते हैं और रामलला जी को अति प्रसन्न कर रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम। आपको ये उचित लगना जरूरी है, कोई बात नहीं, कोई नहीं जी, बता दो आपका नाम भी। हम लोग यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए थे तो रामनवमी को यहाँ पे उद्घाटन हुआ। हमारे साथ और भी विप्र बंधु थे और हम लोग मूल रूप से गंगोत्री धाम के नज़दीक हमारा स्थल है जहाँ से हम लोग यहाँ पे विराजे। और वर्तमान समय में हम कार्य क्षेत्र हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश है और ऋषिकेश से हम यहाँ पहुँचे हैं और रामलला के दरबार में हमारी हाजिरी लगी और रामलला जी ने अपनी सेवा में हमें रख दिया। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं गंगोत्री धाम से बिलोंग करता हूँ। जय श्री राम।
ये अपने भाई जो ब्लॉग बनाने लग रहे थे आज हम तो बात करेंगे। जय श्री राम भाई। सारे भाइयों ने हम गांव में खेता तय है भाई, हम सारी एक टीम में भाई जो आज यहाँ पे राम मंदिर में खांडा रेस मारते आए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आए हैं बहुत अच्छा बढ़िया मंदिर बनाया यहाँ पे गांव वालों ने। यही कहेंगे भाई सारे भाई आके यहाँ विजिट करें, एक बार मंदिर में जरूर देखें। मेरे चैनल का नाम भाई सचिन ढाका 188 है यूट्यूब पर, देसी फिटनेस के नाम पर भी है, तो भाई जरूर जाए और वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। यह मंदिर अयोध्या के अंदर बने श्री राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आने भी शुरू हो चुके हैं। जिनको भी पता लगता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। और श्री राम लला जी का दर्शन और आशीर्वाद पाता है। इस समय संध्या आरती का समय हो चुका है, तो आइए मेरे साथ आप भी इस आरती का आनंद लीजिए और राम भक्ति में हमेशा जुड़े रहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा।
सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तं लाल देहि लाल रसे हर धर लाल भक्त देह दानुज धन जय 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 पापो हम पाप करवा पापात्म पाप संभव काहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव दुख हर दरिद्र हर काल हर कष्ट हर सर्व संकट हरो प्रभु चंद्रयत्र पूर्वे सात्याः शांति देवाः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ जय श्री राम। सभी को वीडियो की आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।